हाँ दोस्तों, ये आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, ये जो लक्ष्मण रेखा आपको दिख रहा है, ये किस काम में आता है? तो ये आपको आता है चींटी कीटनाशक जो हमारे पौधे में हमारे पत्ते को खा जाता है या हमारे फूल को विकसित नहीं होने देता है, हमारे पौधों को नष्ट कर देता है, उसके लिए ये चीज़ आपके घर पर भी होगा ही, क्योंकि ये हर के घर में अवेलेबल रहता है। और इससे क्या काम आता है वो आपको सारा बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे ये लक्ष्मण रेखा से अपने पौधों में क्या उपयोग कर सकते हैं और कौन कौन से रोग को भगा सकते हैं, कितने कीड़े को भगा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, हर एक को कहते हैं कि हमारे पौधे में चींटी लग रहा है, ये किस कारण से लग रहा है? तो पहले कारण आप समझें, क्योंकि हमारे पौधे में मिलीबग का अटैक होता है तभी ये चींटियाँ लगती हैं। और चींटियाँ जब लग जाती है तो हमारे पौधों को नष्ट करने लगती है। मिलीबग तो नष्ट करता ही है और उससे कहीं ज़्यादा चींटियाँ भी नष्ट करने लगती है। क्यों लगती है मिलीबग, क्यों लगती है चींटियाँ? तो मिलीबग को खाने के लिए चींटियाँ पेड़ में चढ़ने लगती है, और जब मिलीबग को खाते खाते जब पेड़ का रस चूसने लगती है तो हमारे फूल पर भी हल्का मीठा पदार्थ होता है, तो वो मीठा पदार्थ को चूसने के लिए हमारे पौधों को नष्ट करने लगती है। तो हमें चींटियों को और हमारे पौधों में जो कीटनाशक रहते हैं, जो हमारे लाल कीटनाशक रहते हैं, जो हमारे पौधों में मच्छर मक्खी आती है, तो हमारे पौधों को कहीं ना कहीं नष्ट करती है। तो उसके लिए आज आपको लेके आए हैं, ये आप अपने घर पर मंगाते होंगे सामान वगैरह में चींटी लग जाता है या आपके घर में कॉकरोच आता है, तो उसके लिए आप मंगाते होंगे। तो सबसे पहली बात है, यदि आपको गमले में चींटी लग रहा है तो सबसे पहले आप क्या करें, मिट्टी का गमला है तो आप सबसे पहले इस पर घेरा बनाएं, और घेरा बनाएं तो कहीं से भी लकीर मिटना नहीं चाहिए, एकदम गाढ़ा बनाएं, ताकि आपका चींटी क्या यदि अंदर रह जाएगा तो अंदरे वो मर जाएगा और बाहर से आपका चींटी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा हम इसे उपयोग किए हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छा है। ये तो हुआ, आप घेरा लगा दिए, इससे आपका बाहरी चींटी अब अंदर नहीं जाएगा। और जो अंदर का चींटी है उसे आप कैसे भगाएंगे, तो वो आप देखें, इस कटोरी में हमें क्या करना है, इसका पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरह। और दोस्तों, ये लक्ष्मण रेखा से एक काम और ले सकते हैं जो हम खुद घर पे लेते हैं, वो काम क्या है? तो आपके सर पर यदि जुए हैं और आपका सर का जू नहीं जा रहा है तो इससे आप क्या करें, इसी तरह आप पेस्ट बनाने के बाद आपको करना है, इस पर जो भी आप तेल लगाते हैं, नारियल तेल या कोई भी तेल लगाते हैं, उसे मिलाकर इस को मिला लें नारियल तेल में और अपने माथे में लगाकर एक से दो घंटा रखकर इसे धो लें, तो आपके माथे का जू भी निकल जाता है बहुत ही आसानी से। तो उसी तरह हमारे पौधों में बहुत तरह का फंगस लगता है, बहुत तरह का अटैक होता है, तो ये फंगस को आप जिस समय मारेंगे एक घंटा भी नहीं लगेगा आपको, 20 मिनट में आपका सारा इसका जितना भी कीड़ा है, फंगस है या भुआ पिल्लू बोलते हैं, ऐसा कोई भी कीड़ा है इसके सामने टिक नहीं पाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको थोड़ा सा पानी मिला के अच्छा से इसका पेस्ट बनाना है। पहले थोड़ा सा पानी मिला के अच्छा सा पेस्ट बना लें, ताकि इसका कोई भी कण रहे ना, ताकि हमारा पंप में फंसे ना। अब इस तरह को क्या करना है, मात्र इतना लेना है, और लेना कितना है आपको, आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी में आपको क्या करना है, पर थोड़ा सा पानी डालें और इस पानी को मिला दें, और जो गाढ़ा पदार्थ बचा है आपको यहाँ रखना है, क्योंकि हमारे मिट्टी में जो चींटी वगैरह रहता है वो भी नष्ट होगा, क्योंकि हमारा मिट्टी में घर बना लेता है चींटी और पौधा में आसानी से चढ़ जाता है। अब देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया,
कलर चेंज होने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों? थोड़ा सा पाउडर बना के आपको क्या करना है, मिट्टी में मिलाना है, क्योंकि मिट्टी में जो हमारे चींटी जो है घर बना लेती है, उस घर को भी हमारा हटाना है और चींटी को भगाना है। इस पाउडर से चींटी तो अधि इसका गंध से भाग जाएगा और करीब आएगा तो ये पाउडर से चींटी हमारा मर जाएगा। अब क्या करना है, इस जगह को हमें कूड़ा लगाना है। इस तरह का आप हल्का हल्का हाथ से कूड़ा लगा दें, क्योंकि अंदर में ये अच्छा से आराम से इसका छिद्र में चला जाए और इससे चींटी 5 मिनट के अंदर या तो भाग जाएगा या तो उसका नामो निशान नहीं रहेगा। और हमारे पौधा में अब ऊपर तना में हमें करना है, तो तना में जो भगाना है चींटी को, और मिली बक्का और जो भी कीड़ा वगैरह है तो उसे कैसे नष्ट करना है, तो ये हमारा पंप द्वारा से नष्ट करना है। तो इसमें जो हम पानी मिलाए थे इस हमारे बड़े बोतल में डाल दिए, क्योंकि हमारा पाइप जो है अट नहीं रहा था इसमें। तो अब इसमें क्या करना है, जो ये हमारा तना है, ये हमारा मालती का फूल है और इस पौधा बहुत छोटा है, इसे बचाना है हर एक कीटनाशक से। तो अब हमको इसको क्या करना है, ऊपर से नहलाना है। इस तरह से आप नहलाते हैं तो आप 15 दिन से महीना दिन आपको कोई भी इसमें फंगस नहीं अटैक करेगा। यदि बरसात का दिन में हमारे पौधा को अच्छा से नहला देगा, धो देगा, तो ऐसे भी बरसात का पानी पौधा के लिए अमृत कहता है, उस पर कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। यदि आप लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारा घर में चींटी वगैरह हमेशा लग जाता है, इसके लिए हमको वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए, तो अब आपको बताते हैं जो इसमें हमारा तो ये काम हो गया। ये रहा हमारा बेल का पौधा। अब बेल का पौधा हमारा देख सकते हैं कहाँ कहाँ से नष्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सारा जो है पत्ता खा रहा है। आपको कीड़ा दिख नहीं रहा होगा, एकदम छोटा सा कीड़ा आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये छोटा कीड़ा इतना बड़ा रूप लेता है, ये जो है इतना बड़ा का रूप ले ले रहा है। और ये पत्ता जितना जल्दी जल्दी खाएगा उतना जल्दी जल्दी ये विकसित होगा, और एक नहीं 1000 कीड़ा इसमें लगा हुआ है। इधर भी देखें, यहाँ भी छोटा कीड़ा लगा हुआ है, और यहाँ देखें, यहाँ छोटा पत्ता में कीड़ा लगा हुआ है। तो आप सोचेंगे हमारा पत्ता को कौन खा रहा है, तो आप पहले कीड़ा पहचानें कि कीड़ा का कलर कैसा होता है। शुरुआत में तो काला काला होता है, जब खूब बड़ा हो जाता है तो ये पत्ते का ही कलर ले लेता है, हरा हरा। भुआ पिल्लू का अटैक हो गया है इसमें, और इसे हम नहीं ठीक करेंगे तो हमारा बेल का पत्ता सारा ये खा जाएगा और हमारा केवल डंटी बचेगा, तो इससे पौधा हमारा नष्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, इसी तरह का आपका लक्ष्मण रेखा का जो है इसमें फुहारा मारना है, और आपके सामने इसे गिरा कर दिखाते हैं। और ये लक्ष्मण रेखा का पानी इस पर जाएगा, इसने के बाद भी ये हमारा कीड़ा मर जाएगा, यानी दूसरा पौधा में चढ़ेगा ही नहीं। ये लक्ष्मण रेखा का इतना पावर होता है। तो अब दिखाते हैं आपको गिरा कर। इसका पकड़ कितना मजबूत होता है इस कीड़ा का देखिए। बस इसे हम पानी डाल के ही छोड़ेंगे और ना ही इसे हम हाथ से हटाएंगे। आपका सामने ये जो कीड़ा है कैसे छटपटाने लगेगा, वो अपने भाग जाएगा। और सारे पत्ते में मारना है, एक भी पत्ता ऊपर नीचे सब जगह मारना है, क्योंकि ये कीड़ा जो है नीचे में भी रहता है। दोस्तों ये सारा कीड़ा मतलब कि उलंछू हो गया है और सारा ज़मीन में आ गया है, और जो कीड़ा का कलर है मिट्टी कलर है। तो आपको हम दिखाते हैं उठाकर, आप देख सकते हैं इसे हम ज़मीन से उठाए हैं और ये कीड़ा है, और ये कीड़ा इसका पानी मुंह पर चल गया है, अब ये बचने वाला है ही नहीं। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पेड़ पौधा का शौकीन होते हैं, अपने घर में पेड़ पौधा लगाते हैं, तो उसे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।